वेलकम इन अन एकेडमी लाइफ सेवन। इन बायोलॉजी क्लास टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एंजाइम। सबसे पहले हमको ये जानना है कि एंजाइम है क्या। लगभग सभी लोग जानते हैं, जैसे कभी किसी का पेट उसका इनडाइजेशन हो गया तो यूनी एंजाइम अरिस्टो एंजाइम वो खाता रहता है। इसका मतलब कि एंजाइम जो है ये हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। तो यू कैन से एंजाइम इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक में आपने देखा है कि जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन का रेट जो है ये स्लो है। जैसे एक एग्जांपल, सामान्य एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट का। पोटेशियम क्लोरेट डिसोसिएट होता है KClO3 KCl+3O2। लेकिन ये रिएक्शन ये इनऑर्गेनिक का है, लेकिन ये रिएक्शन जो है इसका रेट जो है बहुत स्लो है, इसका रेट बहुत ही स्लो। लेकिन जब इसमें MnO2 मिला देते हैं तो इसका रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन दैट गेट इंक्रीज्ड, रिएक्शन की स्पीड जो है ये बढ़ जाती है। वही बात हमारे प्लांट और एनिमल के बॉडी के केस में है कि जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, डाइजेशन है, रिस्पिरेशन है, ऑक्सीडेशन है, ये सब ये अंडर कंट्रोल ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जैसे रेस्पिरेशन के केस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज हाउ बर्निंग। जैसे बाहर आप लकड़ी जलाते हैं और वो लकड़ी बर्न करती है, लेकिन आप कहते हैं कि दैट इज अनकंट्रोल्ड बर्निंग। वही बर्निंग हमारे शरीर में भी होती है, बट दैट बर्निंग इज कंट्रोल्ड बाय, दैट ऑक्सीडेशन इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, दैट इज एंजाइमेटिक बर्निंग, कैटालिटिक बर्निंग। तो एंजाइम के बारे में हम जानेंगे। इतना मालूम हो गया आपको कि एंजाइम क्या है। डाइजेशन खराब होता है तो आप एंजाइम खाते हैं। अब इस एंजाइम के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ये आपको BSc के थर्ड ईयर के क्लास में, नीट के क्लास में, क्लास 12th में ये एंजाइम का चैप्टर आपको मिलता है। यहां मैंने डेफिनेशन लिखा है। डिफरेंट साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दिया। मैं हमेशा नोट्स बना देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना नोट्स बना लें और खास करके BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट इसको जरूर बनाएं, क्योंकि बहुत डिटेल में ये आपके कोर्स में है। फर्स्ट है बीडल। इन 1948 ही डिफाइंड एंजाइम एज इंडिस्पेंसेबल कंपाउंड दैट प्लेज ए की रोल इन मेटाबॉलिज्म, ब्रिंगिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल टू द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ लिविंग सेल। मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, दे आर नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शन, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को दो भागों में बांटते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। इन कैटाबॉलिक रिएक्शन ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर, आर कंपाउंड ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट इज डिसोसिएटेड इनटू सिंपलर वन, इज डिसोसिएटेड इनटू सिंपलर वन, दैट इज द ऑक्सीडेशन, दैट इज द रेस्पिरेशन,
that is catabolic activity, and anabolic from simpler compound formation of complex compound, जैसे आपकी फोटोसिंथेसिस है कार्बन डाइऑक्साइड H2O से मिल करके C6H12O6, एनिमल के केस में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन. कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो ये तो हमारी पहली डेफिनेशन. हमारी सेकेंड डेफिनेशन है फेयरली और किलगोर इन 1966. इन्होंने जो डिफाइन किया कि एंजाइम इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. ये हमारी सेकेंड डेफिनेशन. हम आते हैं थर्ड डेफिनेशन पर. डेवलिन इन 1970, एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट which increases the rate of biochemical reaction. इन्होंने कहा कि all enzymes are protein, but all proteins are not enzyme. इनका यह कहना है कि सभी enzyme ये protein हैं, लेकिन सभी protein ये enzyme नहीं होता. तो thus there are three definitions given by Weddle, given by Fairley and given by Devlin. और लास्ट में यही होता है कि एंजाइम जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. अब हम थोड़ा इसकी डिस्कवरी पर आते हैं, क्योंकि डिस्कवरी भी नीट में पूछी जाती है. पहला है F.W. Kohne इन 1878 ही गेव द नेम एंजाइम. सबसे पहले इन्होंने एंजाइम का नाम दिया. सेकेंड है जेम्स समनर. ही आइसोलेटेड एंजाइम एंड क्रिस्टलाइज द एंजाइम यूरियेज इन 1926. यूरियेज एंजाइम को 1926 में इन्होंने क्रिस्टलाइज किया. अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पर. एक ब्रीफ में प्रॉपर्टी आप जाने कि फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने लिखा, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दे आर कैपेबल टू इनहांस द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन. एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, और यह एंजाइम हमारे शरीर में, प्लांट के शरीर में ये जितने बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उनको इनहांस कर देता है, उनकी स्पीड को बढ़ा देता है. एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एंजाइम कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता. एंजाइम कभी भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता, केवल एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, चेंज करता है. जैसे पोटेशियम क्लोरेट का मैंने लिया, तो MnO2 जो है ये पोटेशियम क्लोरेट को डिसोसिएट नहीं करेगा, बल्कि पोटेशियम क्लोरेट जब आप उसे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में खुद टूटेगा. लेकिन MnO2 जब आप उसमें यूज कर देते हैं एज ए कैटलिस्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट गेट इंक्रीज्ड. नाउ नेक्स्ट, मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, सम एंजाइम्स रिक्वायर्स कोफैक्टर. सभी एंजाइम जो है प्रोटीन है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सहकारक का माने कोफैक्टर उनके साथ जुड़ा होता है. यह कोफैक्टर आपका इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है. दीज फैक्टर्स दे आर इनऑर्गेनिक एंड सम आर ऑर्गेनिक आल्सो, एंड दीज कोफैक्टर आर एसोसिएटेड विद द एंजाइम. तो कोफैक्टर और प्रोटीन ये दोनों मिलकर के एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं. अब इसके बाद हमने इधर देखा कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लिखा है,
जो कि को फैक्टर का कार्य कर रहा है। एंजाइम में हमेशा जब नॉमनक्लेचर करते हैं आप, तो उस नॉमनक्लेचर में एएसई लगा देते हैं, कंपाउंड के नाम के आगे एएसई लगा देंगे, और जब एएसई लगा देंगे कंपाउंड के नाम, तो एंजाइम का नॉमनक्लेचर हो जाता है। जैसे यूरिया में जो एंजाइम यूज होता है, कार्य करता है, उसको एएसई लगा दी, यूरियाज हो गया। पेप्टाइड में जो एंजाइम यूज होगा दैट विल बी पेप्टिडेज। इस तरह से नॉमेनक्लेचर बाद में आएगा। यहां मैंने लिखा है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एज को फैक्टर, मैंने टेबल बना दिया है, एलिमेंट सिंबल एंजाइम टू विच दे आर एसोसिएटेड। नौ मैंने लिखा है, फर्स्ट है कॉपर, लेकिन यह कॉपर क्यूप्रिक कंडीशन में है, क्यूप्रिक कंडीशन जिस पर कि दो चार्ज होगा, और दिस क्यूप्रिक इज एसोसिएटेड विद साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। यह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ एसोसिएटेड होता है, जुड़ा होता है। सेकंड है पोटेशियम के प्लस, ये पाइरुवेट काइनेज कार्बोक्सिलेज एंजाइम में यह एसोसिएटेड होगा एज ए कोफैक्टर। नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम, ये नाइट्रेट रिडक्टेस निकिल यूरियाज एंजाइम में एज ए कोफैक्टर एसोसिएटेड, एज ए कोफैक्टर एसोसिएटेड माने होता है जुड़ा हुआ। सेलेनियम ये है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, मैग्नीशियम ये सब आयन के रूप में कुछ जो है वैसे ही एलिमेंट के रूप में जुड़ेंगे, हेक्सोकाइनेज पाइरुवेट काइनेज, मैग्नीज आर्जिनेज एंजाइम, इधर जो है एंजाइम का नाम लिखा हुआ है। आयरन, आयरन जो है दोनों रूप में होता है, ये फेरिक और फेरस दोनों में, फेरिक पर तीन चार्ज होगा प्लस पॉजिटिव, और इसकी वैलेंसी तीन होती है, और फेरस की वैलेंसी दो होती है, इस पर दो चार्ज होंगे। यह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और कैटालेज। नवा है जिंक, जिंक जो है जिंक आयन इज एसोसिएटेड विद कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो आज मैंने आपको इनऑर्गेनिक बताया, अगले लेक्चर में आपको मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप ये बताऊंगा। अब इसमें कुछ और टर्म्स हैं, अभी मैंने ले लिया नाम प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम और मेटल बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो को एंजाइम या मेटल एंजाइम से बाउंड है, जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, उस ग्रुप को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। दूसरा नाम आता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम एंजाइम प्रोटीन बाउंड टुगेदर कलेक्टिवली फॉर्म होलो एंजाइम, जिसमें कि आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीन ये जुड़े हों, उसको आप होलो एंजाइम की संज्ञा देते हैं। एपो एंजाइम, द प्रोटीन पेयर ऑफ सच एंजाइम आर कॉल्ड एपो एंजाइम। तो यहां लिखा हुआ है एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम दैट इज होलो एंजाइम। एपो एंजाइम प्रोटीन कंपाउंड है और को एंजाइम नॉन प्रोटीन कंपाउंड है, और होलो एंजाइम जो है ये एक्टिव एंजाइम है। इस तरह से आज मैंने आपको प्रोटीन की डेफिनेशन दिया, प्रोटीन के शॉर्ट में डिस्कवरी दिया, इसका नॉमेनक्लेचर किसने किया, तथा प्रोस्थेटिक ग्रुप, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए हमारे इस चैनल में आपको रेगुलर सीरियल से, जैसे आज एंजाइम का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, यहां मैंने लिख दिया है एंजाइम पार्ट फर्स्ट, एंजाइम पार्ट फर्स्ट, और ये टोटल एंजाइम, एंजाइम जो है एक केमिस्ट्री में भी है, एंजाइम जो है एक बॉटनी में भी है, जियोलॉजी में भी है, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। आज इसी पर हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। कल आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम एज ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कल हम डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।